नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, आवाज़ थोड़ी बैठी सी भी है, लेकिन आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आपका गला हमेशा बार बार ख़राब हो जाता, हालांकि मेरा तो नहीं होता, लेकिन ठंडी है इसलिए गला ख़राब हो जाता है, और अगर आपका गला बार बार ख़राब होता रहता है, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम आपको बार बार होती रहती है, तो आप कौन सी एक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन ऑरम ट्रैकोन्टियम, ये रेयर और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस के लिए, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं हर दिन लाइव आता हूँ, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं मिले तो आप प्लीज़ बेल आइकन दबाएं और कुछ ना कुछ मेरे वीडियोज़ देखते रहा करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और लाइव आके आप मुझसे रूबरू हो सके, आपकी जो भी समस्या है वो आप बता सकें। इसके अलावा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। इसके अलावा मैं कहीं पर भी किसी को भी अपना नंबर शेयर नहीं करता, ना किसी को मैं व्हाट्सअप करता हूँ, ना किसी को मैं मेडिसिन भेजता हूँ। ऑनलाइन कोई भी प्रिस्क्रिप्शन या ऑनलाइन ट्रीटमेंट जैसा कोई सिस्टम मेरा नहीं है। तो अगर कोई मैसेज सेक्शन में फेक अकाउंट से आपको मैसेज आए कि इस नंबर पे सर आपको दवाई मिल जाएगी, इस नंबर पे आप कॉल करें, या मैं ठीक हो गया हूँ आप इस नंबर पे कॉल करें, तो ये सब चीज़ें फेक है, यूट्यूब पे बीच बीच में चलती रहती, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों से बचें। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, थ्रॉट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और ठंडी है, और जब सीज़न चेंज होता है, एकदम से ठंडी बढ़ती है तो गला बैठ जाता है। ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, मोस्टली वायरस के कारण होता है। वायरस हमारे गले में जाता है, सर्दी होती है हल्की, और गला जो है वो बैठ जाता है, कफ बन जाता है, इसके बाद खांसी भी हो सकती है, और लेकिन कभी कभी सिर्फ थ्रॉट इन्फेक्शन होके ही ठीक हो जाता है। तो थ्रॉट इन्फेक्शन के तीन पार्ट हैं, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, फेरेंजाइटिस भी हो सकता है, लेरेंजाइटिस भी हो सकता है। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, क्योंकि सालों से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा एक बोनिंग हसन कफ कॉम्बिनेशन, जिसमें हिपरसल्फ 200, स्पॉन्जा टोस्टा 200, एकोनाइट 200, ये तीनों को मिला के दो बूंद दिन में 3-4 बार लेंगे, थ्रॉट इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन। इसके साथ आप कैलेंडुला मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3-4 बार इससे गरारा कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको आराम लग जाएगा। लेकिन आपको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, या आपको सिर्फ एक ही मेडिसिन लेनी है थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो आज मैं आपको एक रेयर होम्योपैथिक मेडिसिन बताने चाहता हूँ। उस रेयर होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है ऑरम ट्रैकोन्टियम। दोस्तों, ये जो दवा है, ये स्पेशली जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस के। दोस्तों, अगर आपको फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, और थ्रॉट में बहुत ज़्यादा रॉनेस है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा सूजन है, और कुछ भी लीलने में आपको दर्द होता है, खासकर पानी लीलने में आपको दर्द होता है, तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। जब आप मुँह खोल के देखते हैं तो पूरा पीछे लाल पड़ा हुआ है, टॉन्सिल भी लाल है और कफ भी बन रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। तो जब आपको थ्रॉट इन्फेक्शन होता है तो कफ हमेशा बनता रहता है, और इस टाइप का आप करते रहते हैं, और जिससे कफ निकालने की कोशिश करते हैं, ये लक्षण इसका एक प्रमुख लक्षण है। और बहुत ज़्यादा रेडनेस हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, या आपको हल्का दर्द है लेकिन हमेशा जो आवाज़ है उसमें हॉर्सनेस है, जैसे कि मेरी आवाज़ में आज भारीपन है, वैसा अगर भारीपन है तो ये मेडिसिन सबसे इफ़ेक्टिव दवा है। तो मोस्टली ये थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसे आप पढ़ें, विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में ये लिखी गई है और लिखी हुई है, आप ज़रूर पढ़ें, और पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस के लिए इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इसे कैसे यूज़ करना है? अगर आपको लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है,
तो आप कैसे इसे यूज़ करें? दोस्तों, इसको लोअर पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, हालांकि मैं देख रहा था और मेरे क्लिनिक में 30 CH पोटेंसी में ही अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लोअर पोटेंसी में इसे यूज़ करेंगे जैसे कि 6 CH पोटेंसी में, और 2 बूंद इसे आप दिन में 3 बार, सुबह 1 बार, 1 बार दोपहर में और 1 बार रात में लें, ये मेडिसिन आपको तुरंत आराम देगी। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हर एक एक घंटे में यूज़ करें। अगर आपको 6 CH में नहीं मिलती है तो यही मेडिसिन आप 30 CH में यूज़ कर सकते हैं, 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। ये मैक्सिकन प्लांट है और इसे ग्रीन ड्रैगन भी बोलते हैं। तो प्लांट आपको दिख रहा है, ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस के लिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है जैसा कि मैंने बताया, तो पढ़िएगा ज़रूर। और फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ना मिले तो पहले ही मैंने आपको बताया कौन सी दवा लेनी है, वो आप यूज़ करें, आपकी फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।